नमस्कार दोस्तों, एमिस्ट्री एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको हरिद्वार से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में और हरिद्वार के पावन तट पर हर की पौड़ी के पौराणिक इतिहास के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, धर्मनगरी हरिद्वार, जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है, जिसकी पौराणिकता का इतिहास बहुत पुराना है। माँ गंगा, जिसे मोक्ष दायिनी, पाप नाशिनी और कष्टों को हरने वाली के साथ जीवन देने वाली भी कहा जाता है। दोस्तों, देवनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी के नाम से विख्यात है। माँ गंगा का ये पावन तट जहाँ देश दुनिया से श्रद्धालु आस्था और श्रद्धा का विश्वास लेकर आते हैं। दोस्तों, हरिद्वार को माया नगरी और कुंभ नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के बाजारों की रौनक भी अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। यहाँ के बाजारों में देव देवताओं की पोशाक से लेकर कंठी, माला, धूप, दीप और अद्भुत रत्नों का भी भंडार है। दोस्तों, पूजा पाठ से जुड़ी हर वो वस्तु आपको यहाँ के बाजारों में मिल जाएगी जिसकी पूजा पाठ में जरूरत होती है। हर की पौड़ी की महिमा और पौराणिकता की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री हरि आए थे और इस स्थान पर उनके चरण पड़े, इसलिए इस नाम का हरि की पौड़ी पड़ा, जिसे हम सरल भाषा में हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ सुबह और शाम को दोनों समय आरती होती है। माँ गंगा की आरती बड़ी ही भव्य और दर्शनीय होती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु और पुरोहित मिलकर इस पावन आरती को करते हैं। हिंदू सनातन धर्म में होने वाली देवी देवताओं की आरती का बड़ा महत्व है। दोस्तों, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली आरती में देवी देवताओं को स्नान, ध्यान आदि कराकर श्रृंगार के पश्चात उनका अभिनंदन किया जाता है। शाम को होने वाली आरती में देवी देवताओं को प्रसाद का भोग लगाकर उन्हें विश्राम दिया जाता है। दोस्तों, हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाने वाला स्थान, उसके इतिहास की अगर बात करें तो आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। जिस स्थान को ब्रह्मकुंड का नाम दिया गया है, असलियत में वो स्थान ब्रह्मकुंड न होकर एक क्षत्रिय स्थल है। सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा आप सभी को, लेकिन ये सत्य है। ये इतिहास राजा अकबर के समय का है। यहाँ राजा मानसिंह की अस्थियां ली गई थी, जिन्हें यहाँ इस स्थान पर समाधि दी गई, जिसको क्षत्रिय बोला जाता था, जिस पर पुरोहित ने ऐतराज भी किया, उसके बावजूद उनको यहाँ स्थान दिया गया। दोस्तों, जहाँ राजा मानसिंह की छतरी रखी गई है, पहले यह स्थान एक छतरी के आकार का था, जिसके स्वरूप को कुछ राजनीतिक दलों और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने बदलने की कोशिश की, जिस पर विवाद उत्पन्न हुआ और मामला हाईकोर्ट तक पहुँच गया। इसी कारण आज तक यह निर्माण आधा अधूरा पड़ा है और इस पवित्र स्थान पर बीचों बीच अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दोस्तों, यहाँ आना कोई मुश्किल नहीं है। आने के लिए हर तरह के संसाधन मौजूद हैं। दोस्तों, देश के हर कोने से यहाँ आने के लिए भारतीय रेल सुगम और संसाधन है। 100 से ज़्यादा गाड़ी यहाँ से आती जाती रहती है। साथ ही बस और टैक्सी के द्वारा भी यहाँ आना आसान है। दोस्तों, यहाँ रुकने के लिए भी हर तरह की सुविधा मौजूद है। जिसको जैसी सुविधा चाहिए वो अपनी सुविधाओं के हिसाब से यहाँ रुक सकता है। होटल, लॉज, धर्मशालाओं के साथ निःशुल्क यात्री रैन बसेरों की भी यहाँ व्यवस्था है। बात अगर खाने की जाए तो हर तरह के खाने के ढाबे, होटल और निःशुल्क लंगर भी मौजूद हैं। हरिद्वार के लिए एक बात और भी कही जाती है कि यहाँ आने वाला कोई भी हो, कभी भूखा नहीं सोता। दोस्तों, अब हम आपको हरिद्वार से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब भागीरथ घोर तपस्या कर धरती के उद्धार के लिए गंगा मैया को धरती पर लाए थे, तो सबसे पहले गंगा मैया की पवित्र धारा हरिद्वार पर अवतरित हुई थी। आगे दोस्तों, हिंदू धर्म में कुंभ मेले का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। मान्यता है कि हर हिंदू को एक बार अपने जीवन में कुंभ मेले के दर्शन जरूर करने चाहिए। चार जगहों में लगने वाले कुंभ मेले का एक स्थान हरिद्वार भी है। इसके अलावा यह मेला इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में लगता है। आगे दोस्तों, हर रोज संध्या के समय हजारों श्रद्धालु हर की पौड़ी पर उपस्थित होकर माँ गंगा की आरती में शामिल होते हैं। शाम के समय हर की पौड़ी पर गंगा मैया की आरती का सुंदर वातावरण हर भक्त के मन में बस जाता है। दोस्तों, हरिद्वार योगाश्रम के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग योग करने और सीखने आते हैं। हरिद्वार के शांत वातावरण में योग करने से शारीरिक के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव का डेरा भी हरिद्वार में ही है। हरिद्वार की पावन धरती पर बाबा रामदेव का दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित है। बाबा रामदेव द्वारा संचालित पंजलि की मुख्य ब्रांच भी हरिद्वार में ही है। दोस्तों, माँ दुर्गा को समर्पित मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी हरिद्वार में ही स्थित है।
मान्यता है कि मनसा देवी के मंदिर में आने वाले हर भक्त की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। माँ दुर्गा के भक्तों के बीच मनसा देवी मंदिर का बहुत ही महत्व है। हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु मनसा देवी के दर्शन करना कभी नहीं भूलते। दोस्तों, हरिद्वार की पावन धरती पर हजारों छोटे और बड़े मंदिर स्थापित है। दोस्तों, हरिद्वार को मंदिरों का घर और गंगा मैया का निवास स्थल भी कहा जाता है। धार्मिक यात्रा के लिए हरिद्वार सबसे बढ़िया विकल्प है। दोस्तों, हरिद्वार में स्थित मोती बाजार भी यहाँ आने वाले लोगों को खूब आकर्षित करता है। कहा जाता है कि इस शहर के जितना यहाँ का पुराना मोती बाजार है, आपको यहाँ अपनी पसंद की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों, हरिद्वार के कंखल में एक कुंड है जो सती कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस कुंड में ही देवी सती ने अपनी बलि दी थी, इस कारण यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हरिद्वार में आयुर्वेद और हिंदू धर्म की जड़ें समाहित हैं। कहा जाता है कि इस धार्मिक स्थल का आयुर्वेद से बहुत गहरा संबंध है। हिंदू धर्म के लिए हरिद्वार बहुत बड़ा और ऐतिहासिक धर्म स्थल है। दोस्तों, हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्री हरिद्वार से गंगा जल भरकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। माँ गंगा के धरती पर अवतरण लेने की कथा से हरिद्वार का बहुत गहरा संबंध है। श्रद्धालु यहाँ आकर गंगा मैया और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। धार्मिक दृष्टि के अलावा पर्यटन के रूप में भी हरिद्वार बेहद खास है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना, वो इसलिए कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।